अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ग्यारह प्रतिमाएं श्रावक के जीवन में पाई जाने वाली उनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। कल तक हम यहाँ सचित्त त्याग प्रतिमा की चर्चा कर चुके हैं। कोई बहुत विशेष चर्चा का विषय नहीं है। निश्चय से प्रतिमा, व्यवहार से प्रतिमा, इस तरह से दोनों प्रकार से यदि हमारे उपयोग में प्रतिमा का स्वरूप रहे तो हम अपने जीवन में उन प्रतिमाओं का सही स्वरूप समझकर और सही विधि पूर्वक उन प्रतिमाओं को अपना सकते हैं। परेशानी ये होती है कि अंदर में होता नहीं है और बाहर में अपनाना चाहता है। सारे जगत में ऐसा कहते हुए लोग आपको मिलेंगे, आप लोग भी शायद ये कहते होंगे। अनेक लोगों से हमने ये बात सुनी है कि पंडित जी समझते तो सब हैं लेकिन होता नहीं है। समझते तो सब हैं, क्या करें, हम जानते हैं सब, हमें सब पता है, अब लेकिन समस्या ये है कि हम कर नहीं पाते। आज सारे जगत में समस्या समझने की नहीं, करने की है। लेकिन भाई जब इस प्रकरण को यहाँ पढ़ रहे हैं तो बात उल्टी है। क्या कह रहा हूँ भैया, आप ये कह रहे हो समस्या समझने की नहीं है, करने की है, और मैं ये कह रहा हूँ बात करने की नहीं, बात तो समझने की है। आज भूमिका से हीन आचरण करने की समस्या नहीं है, आज तो समस्या ऐसी उल्टी हो गई है कि भूमिका तो है कम और आचरण है ज़्यादा खींचतान किया हुआ। क्या भूमिका मतलब क्या चीज़ है? भूमिका मतलब है मिथ्यात्व की भूमिका है भी, पहले गुणस्थान की भूमिका। तो पहले गुणस्थान की भूमिका में क्या क्या किया जा सकता है, पहले गुणस्थान की भूमिका में क्या क्या करता है ये व्यक्ति, ये बताओ। तो भूमिका से कम आचरण क्या करेगा, पहले गुणस्थान से नीचे गिर करके क्या क्या स्थिति होगी, जो भी कर रहा है, जो भी कर रहा है वो आखिर पहले गुणस्थान के योग्य ही तो है, जितने भी पाप क्रिया हो रही है। लेकिन जब हम अपने जीवन में कुछ ज़्यादा क्रिया पालने की चेष्टा करते हैं तो टोडरमल जी साहब ने ऐसा लिखा कि भूमिका तो है तेरी कम, गुणस्थान तो है अंदर में पहला और पालना चाह रहे हैं पांचवे जैसा, प्रतिमाधारियों जैसा, तो क्या होगा बताओ। भूमिका से ज़्यादा आचरण समस्या है भाई साहब, कम आचरण समस्या नहीं है। क्योंकि अंदर में तो विशुद्धि हुई नहीं और बाहर में यदि पालना चाहेगा तो फिर वो खींचतान होगी और उस खींचतान में धर्म नहीं है। धर्म सहजता में है, सहजता नहीं है, खींच रहा है, मेरे से निभ नहीं रहा, मैं जबरदस्ती खींचे जा रहा हूँ, तो जबरदस्ती खींचना तो वैसा ही होगा पानी पानी करता हुआ सेठ मर गया। प्रतिज्ञा पालन की उसने, निभाई उसने प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा निभाई, उसे निभाना नहीं कहते हैं, जहाँ खींचतान होगी वहाँ नहीं, धर्म सहजता का नाम है। धर्म अंदर से होता है, जब धर्म पालन करने की बात आती है तो आंतरिक विशुद्धता होती है, बाहर में अपने आप पलते हैं, नियम पलते हैं, पाले नहीं जाते हैं, अपने आप पलते हैं। शरीर की अवस्था वैसी ही होती है, बाह्य क्रियाएँ वैसी ही होती है, बाहरी जीवन उसी प्रकार का होगा, अपने आप होगा बाहरी जीवन, ऑटोमेटिक होगा। आप कहोगे साहब मैं ऐसा करना पड़े, फिर तो साहब आप यदि बतला रहे हो तो फिर हमें भी मुनि बनना पड़ेगा। ओहो हम तो भाई बहुत मुश्किल काम है भैया,
हमें भी दीक्षा लेनी पड़ेगी, कपड़े लत्ते छोड़ने पड़ेंगे, घर बार छोड़ना पड़ेगा भैया, ऐसा धर्म हम तो बहुत मुश्किल है, हमसे तो नहीं हो। सुन भाई, अंदर में जब राग भाव टूटता है, अंदर में मोह भाव टूटता है, अंदर में पदार्थों के प्रति अपनापन टूटता है, तो कपड़े भी छूटते हैं। ये जो है ना, ये बटन बंद करने की क्रिया, ये खोलने और बंद करने की क्रिया, ये राग भाव के बिना नहीं हो सकती। अब राग टूट गया तो ये कपड़े पहनने की क्रिया कैसे हो सकती है? इसलिए नहीं पहनते। आपको साहब क्यों नहीं पहन? अरे वो राग ही नहीं है उस जाति का, उस जाति का भाव ही नहीं आता है। तो प्रतिमाधारियों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, सचित्त त्याग प्रतिमा, सचित्त आहार आदि का उसने त्याग कर दिया, तो अंदर में इतनी विशुद्धि हो गई कि हरित काय के सेवन में अनगिनती जीवों की विराधना का पाप लगता है। क्या करें, कोई भी हो, अभक्ष्य की बात नहीं कर रहे हैं, जो खाने योग्य दिखती है वे भी वनस्पति है ना, प्रत्येक वनस्पति भी। साधारण की तो बात ही क्या करें, साधारण वनस्पति तो अनंत काय है, साधारण वनस्पति में तो अनंत जीव मौजूद है, लेकिन जो प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक में भी स्वप्रतिष्ठित प्रत्येक भी वैसी ही है, और जो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है वो भी कोई शुद्ध नहीं है क्या? तो इसका तो राग टूट गया, इसलिए इस तरह की प्रवृत्तियां उसके जीवन में दिखाई देती है। पांच प्रतिमाओं की चर्चा हम कर चुके हैं, एक बार नाम बतलाएं, आप भूल नहीं जाएं इसलिए पूछ रहा हूं। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक, चौथी प्रौषधोपवास, और पांचवी सचित्त त्याग प्रतिमा। पांच हो गए, अचित्त करके खाएगा उसे यदि लेगा तो, और नहीं तो कोशिश ये हो कि हरी का ही त्याग कर दे तो जितना संभव हो सके। आगे और पीछे जो फूल और वो होता है उसका पहले काट के, हाँ, उसका छेदन यदि कर दिया गया तो वह अचित्त हो जाती है। फल फूल आदि का छेदन करने के बाद वे अचित्त हो जाती है, लेकिन ऐसा करने का भाव भी नहीं आवे तो पूर्णतया सचित्त का त्यागी हो गए। दांत अड़ाए तो आपके, आपको हिंसा का पाप लग रहा है, मुंह से खा रहे हो आप। अब कोई व्यक्ति तो ऐसे ऐसे तक तर्क करते हैं कि साहब आलू में कौन से जीव होते हैं, लगा साहब निगोदिया जीव। बोले निगोदिया जीवों का जीवन कितना होता है? बोले श्वास के 18वें भाग। तो फिर वो आलू रखा हुआ है तो उसमें भी अपने आप जन्म रहे हैं और अपने आप मर रहे हैं, अपने आप ही हो रहा है ना। तो फिर हमने खाया तो क्या फर्क पड़ गया, वो तो अपने आप ही मरेंगे, वो तो वैसे भी तो हमारे को किस बात का पाप लग रहा है? कि तुझे इस बात का पाप लग रहा है कि उनकी मौत तेरे पेट में हुई है। जच्चा खाना मुर्दा खाना दोनों अपने पेट में, बोलो वही अनंत जीव जन्म लेंगे, वही अनंत जीव मरेंगे, तो तेरा पेट मुर्दा खाना है क्या? वही अनंत जन्म लेंगे तो जच्चा खाना है क्या? क्या स्थिति होगी? वो चीज समझने योग्य है। चलिए, पांच प्रतिमाएं हो गई, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रौषध प्रतिमा, प्रौषधोपवास जैसे कहा, और सचित्त त्याग प्रतिमा। पांचवी प्रतिमाधारी सचित्त के त्यागी होते हैं, ठीक है। अब देखिए छठी प्रतिमा, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग भी कहते हैं, रात्रि भोजन त्याग भी इस प्रतिमा का दूसरा नाम कहा जाता है। हम पढ़ते हैं यहाँ पर दो पंक्तियां, नाटक समयसार बनारसी दास जी के आधार पर। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, तिथियाए निशि दिवस संभाले, कहीं नव वाण करे व्रत रक्षा, सोषट प्रतिमा श्रावक आख्या। क्या? जो दिन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, दिवस और तिथि आए, तिथि कौन सी? अष्टमी और चतुर्दशी, ये पर्व तिथि कहलाती है, कल्याणक जितने भी होते हैं, हाँ, अष्टमी चतुर्दशी दस लक्षण महापर्व अष्टानी का महापर्व, ये सब पर्व तिथियां हैं, ये सब विशेष तिथियां कहलाती है। तो इन तिथि के दिनों में दिन रात ब्रह्मचर्य का पालन करे, और गही नववाण को ग्रहण करके करे व्रत रक्षा। नववाण क्या चीज है? मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, इनसे उसका पालन करना। दस लक्षण धर्म की पूजन शायद ही कोई ऐसा हो जिसने नहीं की हो, सबने की है। ध्यानत राय जी की पूजन,
उत्तम ब्रह्मचर्य का अर्घ है वहां। क्या अर्घ है? शील वाड़े नौ राख ब्रह्म भाव अंतर लखो करी दोनों अभिलाख करऊं सफल नर भव सदा। जो भी लाइन है, शील वाड़ नौ राख, शील की नौ वाड़ से रक्षा करना, ये पूजन की लाइन है। अब ये शील की नौ वाड़ क्या है? मन वचन काय कृत कारित और अनुमोदना। तीन और तीन छह हो गए, छह नहीं है ये नौ हो गए। नौ कैसे हो गए? देखो, कृत माने होता है करना, कारित माने करवाना, कृत कारित और अनुमोदना माने प्रशंसा करना, उसका मन से उसके बारे में सोचना कि अच्छा हुआ अच्छा किया, ये है अनुमोदना। कृत माने करना, कारित माने करवाना, और तीसरे नंबर पर अनुमोदना माने करने और कराने वाले की प्रशंसा करना। करने और कराने वाले के संबंध में कहना कि अच्छा हुआ अच्छा किया, ये अनुमोदना। तो तीन तरह से निषेध हो गया। और शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है, करो चाहे कराओ, चाहे करने कराने वाले की प्रशंसा करो, इन तीनों का एक समान पाप लगता है। अब इसको मैं यदि दूसरे शब्दों में कहूं तो कह सकता हूं, रात्रि भोजन करना या रात्रि भोजन कराना, कृत माने करना, रात्रि भोजन कराना कारित, या फिर रात्रि भोजन करते हुए के संबंध में प्रशंसा करना या मन में भाव आना, किया भी नहीं कराया भी नहीं लेकिन मन में भाव आया कि यार इनको इन भोजन इनको करना चाहिए, इनको कराओ कर, मतलब मन में आया कि कर ले रहे या कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्या भूखे करेंगे क्या हो गया उसमें। तब ये जो आप कह रहे हो मन में जो भाव आ गया है आपके, ये भी एक समान है। अब सोचो आप जरा अपने हृदय से कि हम कितना दृढ़ता से किन बातों का पालन करते हैं। ये क्या हो गया? कृत कारित अनुमोदना। अभी का मन से वचन से और काय से, तीन और तीन है ना। अब मन कृत, मन से करना, मन कारित और मन अनुमोदना, तीन हो गए। मन कृत, मन कारित, मन अनुमोदना, वचन कृत, वचन कारित, वचन अनुमोदना, काय कृत, काय कारित और काय अनुमोदना, ये नौ हो गए। ये नौ प्रकार से हम वचनों से कहेंगे नहीं करेंगे नहीं, वचन कराने के लिए नहीं कहेंगे और वचन से प्रशंसा नहीं कहेंगे, हम शरीर से खुद करेंगे नहीं, हम शरीर से इशारा करके करवाएंगे नहीं और हम शरीर से किए हुए की बोलते तो नहीं है। ये जो अंगूठा दिखाते हैं ना हम आजकल व्हाट्सएप के जमाने में हैं, बहुत अच्छा। ये जो आपने कहा नहीं, ये शरीर से तो कल सभी प्रकार से मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, इस तरह से शील की वाड़, ये नौ प्रकार से कहते हैं। ये जैसे खेतों में धान्य की सुरक्षा के लिए वाड़ लगा दी जाती है, कांटों वाली वाड़ लगा दी, उसकी बाउंड्री खड़ी कर दी है, भाई जानवर नहीं आ जाए, खेत को नुकसान नहीं पहुंचाए, धान्य को नुकसान नहीं पहुंचाए। इसी तरह से अपने स्वरूप को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए नौ प्रकार से बाड़ बांध दी गई, इनसे हम सुरक्षित रहें। और इनमें बहुत तरह की बातें आती हैं। अभी यदि इसकी विस्तार से चर्चा करें तो उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र महाशास्त्र में इस ब्रह्मचर्य प्रतिमा ब्रह्मचर्य व्रत, उन्होंने तो अणुव्रत की चर्चा की है वहाँ, वो तो दूसरी प्रतिमा वाली के संबंध में बात है। उन्होंने कहा, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागा, ये भावना है उसकी, वो कितनी कितनी बातों से वो इनकी सुरक्षा करता है, शील की सुरक्षा के संबंध में। आप सोचिए, वो जब हम समाधि भावना जब हम बोलते हैं तो उसमें दो लाइनें आती है, भोगे जो भोग पहले
उनका न होवे सुमिरन राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। कौन सी भावना है? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। क्या कहा? दिन रात क्या भावना भा रहे हैं? भोगे ब्रह्मचर्य की भावना, भोगे जो भोग पहले। अभी बैठा बैठा सोच रहा है यार वो भी क्या दिन थे। वो जो बात, वो जो याद आ रही है तुम्हारे को पिछली, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, उनका स्मरण भी नहीं होवे। क्या याद नहीं आए वो? क्योंकि उनको याद कर करके तू वर्तमान में भोग भोग रहा है स्मरण मात्र से। ये शील की नौ वार्ड से रक्षा करने के लिए कह रहे हैं ये। निश दिन समारे गही नौ वार्ड करे व्रत रक्षा, इस व्रत की रक्षा करे नौ वार्डों को ग्रहण करके। सो षट प्रतिमा श्रावक आख्या, उसको छठी प्रतिमाधारी श्रावक कहा गया है। वो छठी प्रतिमा है ये, देखिए क्या कहा आगे। इस प्रतिमा के योग्य यथोचित शुद्धि, अंदर से शुद्धि, वह तो निश्चय प्रतिमा है, भाव ही नहीं आता है, भूख का भाव ही नहीं आता है, विषय सेवन का परिणाम ही नहीं आता है, अंदर से उस जाति का रस टूट गया है। अरे रस अपने स्वभाव का, अपने अतिंद्रिय आनंद का लेने लगा है तो बाहर के रस सब नीरस हो गए हैं उसकी दृष्टि में। जिसे अंदर का रस आता है उसे बाहर के रस नीरस हो जाते हैं उसकी दृष्टि में। अपने आपको पुरुष समझेगा तो भाव बोलेगा ना, पुरुष ही नहीं समझता। मैं तो आत्मा हूँ, स्त्री और पुरुष ये देह की अवस्था है, तो अपने आप को देह से भिन्न जब जाने, जीव पृथक है और पुद्गल पृथक है, ऐसा यदि अपने आप को स्वीकार करे तो फिर इस तरह का भाव ही नहीं आता है। तथा त्याग रूप शुभ भाव व्यवहार प्रतिमा है। निश्चय और व्यवहार का कैसा सुमेल है, अंदर में शुद्धि, अंदर में विशुद्धि और बाहर में त्याग का परिणाम, ये भाव, ये व्यवहार से प्रतिमा है। साधक जीव ने दूसरी प्रतिमा में स्व स्त्री संतोष व्रत तो लिया था। आपको मालूम है दूसरी प्रतिमा का नाम क्या था? व्रत, व्रत प्रतिमा। नाम याद होनी चाहिए मेरे जी, मैं सुनूंगा सब प्रतिमाओं के। हाँ इनसे पूछूंगा, लेकिन इनसे बाद में, पहले आपसे सुनेंगे। हाँ पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा में क्या बात कही थी? देखो अंतरंग विशुद्धि तो प्रत्येक प्रतिमा में पंचम गुण स्थान के योग्य बढ़ती जा रही है। दीपेश जी अंदर से विशुद्धि बढ़ती जा रही है, अंदर में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान चले गई है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, आंतरिक भूमि का विशुद्ध हो गई है, अंतरंग में निर्मलता होने पर अब बाहर में श्रद्धान की जो निर्मलता है वो दर्शन प्रतिमा है। फिर दूसरी प्रतिमा का नाम है व्रत। व्रत प्रतिमा में विशुद्धि और बढ़ जाने से बाहर में 12 व्रत अंगीकार करने का जो भाव आया वो व्रत प्रतिमा है, और तद्रूप प्रवर्तन होगा। 12 व्रत कौन कौन से हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। याद रखना भाई, 12 व्रत वाला पाठ पढ़ाया जा चुका है पहले। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 का एक देश त्याग, आंशिक त्याग, एक हिस्से में त्याग, वो अणुव्रत है। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह, परिमाण व्रत, 5 अणुव्रत। 3 गुण व्रत कौन कौन से हैं? दिग व्रत, दिशाओं में जीवन भर के लिए, इससे आगे नहीं जाऊंगा। देश व्रत, उसमें भी आज अष्टमी है, 10 लक्षण चल रहे हैं, 10 लक्षण शहर के बाहर नहीं जाएंगे भाई, कुछ भी हो जाए चाहे, है ना। बहुत लोग छोड़ देते हैं,
तो ये जो मर्यादाएं ले ली गई है ये देश व्रत और अनर्थ दंड की तो खूब चर्चा की थी हमने। क्या अनर्थ दंड क्या है? खाम खां की क्रिया, बिना मतलब का पाप, अनर्थ बिना मतलब, बैठे बैठे बिना ही मतलब लोगों के बारे में इधर उधर की चर्चा कर रहे हैं, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, इसका ये हो गया, तो इतने को क्या लेना देना है किसके बारे में? राजकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, ये सारी कथाएं, ये भी कथाएं, ये सब अनर्थ दंड है। बैठे बैठे पेन हाथ में लेकर के चर्चा उधर चल रही है और यहाँ फूल पत्ती बनाए जा रहे हैं, अनर्थ बैठा है यहाँ और बैठे बैठे इसका धागा खींच रहा है। घास पे चलना ही उचित नहीं है और चले बैठे उसके ऊपर तो उखाड़ता रहे, एक एक घास बैठेगा तो उखाड़ता रहेगा, दरी पे बैठेगा दरी का धागा खींचता रहेगा, चटाई में से निकालता रहेगा, ये अनर्थ है। ये चलते चलते तोड़ देना, ये जिन क्रियाओं से आपके लौकिक पारलौकिक जीवन का किसी प्रकार का संबंध नहीं हो, सब अनर्थ दंड। ये सब व्रत ले लिए गए थे कहाँ? दूसरी प्रतिमा धारी, दिग व्रत हो गया, देश व्रत हो गया, अनर्थ दंड हो गया। इन तीनों का एक कॉमन नाम क्या है? गुण व्रत। पांच अणु व्रत, तीन गुण व्रत और चार शिक्षा व्रत। ठीक है ना, शिक्षा व्रत में भी था सामायिक, प्रोजोपवाद, भोगोपभोग, परिणाम, अतिथि संविभाग, ये चार शिक्षा व्रत थे। चलो अभी इन बारे की चर्चा नहीं करनी, पहले हो चुकी बहुत विस्तार से। इनमें ब्रह्मचर्य नाम का अणु व्रत है या नहीं है? कौन सी प्रतिमा है? दूसरी प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा में है ना। तो दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी है। तो सातवीं प्रतिमा, अभी अभी तो छठी की बात कर रहे हैं, छठी प्रतिमा देवामैत्री त्याग नाम दिया है इसका, रात्रि भुक्ति त्याग भी इसका नाम है, रात्रि भोजन का त्याग, चार प्रकार के आहार का त्याग और दिन में भोग का त्याग, और सातवीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो ये कह रहे हैं यहां पर देखो क्या कहा है ना, दूसरी प्रतिमा में जब ब्रह्मचर्य अणुव्रत उसने लिया तो स्व स्त्री संतोष व्रत तो लिया था, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। ये दूसरी प्रतिमाधारी पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक, दूसरी प्रतिमाधारी की कैसी स्थिति है ये, कि अपनी स्त्री, अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर सकल नारी सो रहे विरक्ता, सबसे विरक्ति है उसे, है स्वधार संतोष, लेकिन अब स्वरूप स्थिरता उसकी अपेक्षा बढ़ जाने से आसक्ति भी घट गई है, अतः छठवीं प्रतिमाधारी श्रावक नववाड़ सहित हमेशा दिवस के समय, दिन के समय, छठी प्रतिमाधारी है एवं अष्टमी चतुर्दशी आदि तिथि पर्व के दिन रात में भी ब्रह्मचर्य व्रत को पालता है और ऐसे अशुभ भाव नहीं उठने देने की प्रतिज्ञा करता है। छठी प्रतिमा में आचार्य समंत भद्र ने छठवी प्रतिमा को रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा भी कहा है। समंत भद्राचार्य रत्नकरण श्रावकाचार्य श्लोक 142 में कहते हैं रात्रि भुक्ति त्याग भी कहा है। वैसे तो रात्रि भोजन का साधारण श्रावक को ही त्याग होता है, मिथ्या दृष्टि कोई होगा, फिर चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, फिर पंचम गुणस्थानवर्ती, फिर पहली दूसरी, लेकिन छठी प्रतिमा में जाके रात्रि भोजन का त्याग करेगा क्या? तो कहा लेकिन इस प्रतिमा में कृत कारित्व अनुमोदना पूर्वक सभी प्रकार के आहारों का त्याग हो जाता है। छठी प्रतिमाधारी, छठी प्रतिमाधारी के दो नाम हो गए, एक तो दिन में भोग का त्याग और रात्रि में भोजन आदि सर्व प्रकार के आहारों का त्याग कृत कारित्व अनुमोदना पूर्वक छठी प्रतिमा में। इसका मतलब यह है कि इस प्रतिमा के नीचे वाला कदाचित किसी व्यक्ति को भोजन के लिए पूछ लेवे, क्या इससे इससे नीचे की भूमिका वाला करेगा तो नहीं और कराएगा भी नहीं क्या, लेकिन कदाचित अब वो जो उसकी भूमिका के अनुसार जो भी स्थिति हो, आपने किया कि नहीं, रात को पूछ ले, तो ये सारी बातें उस भूमिका के अंदर चल सकती है
छठी प्रतिमा वाला तो पूछेगा भी नहीं, नौ कोटी लग जाएगी यहाँ। छठी प्रतिमाधारी श्रावक के नौ कोटि पूर्वक रात्रि भोजन का त्याग हो जाएगा। कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय, मन कृत मन कारित मन अनुमोदना, वचन कृत वचन कारित वचन अनुमोदना, काय कृत काय कारित काय अनुमोदना, नौ कोटि से रात्रि भोजन। और चार प्रकार के आहार का त्याग, सब प्रकार के आहार का त्याग, इसमें तो लेपा आहार तक आता है क्या? मालिश सर में बाम नहीं लगा सकते ऐसे प्रतिमाधारी। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा जिसके है छठी प्रतिमाधारी, ये रात्रि में सर में बाम नहीं लगा सकते, बोलो मालिश नहीं कर सकते, मालिश नहीं कर सकते। रात्रि में बाम लगाते हैं ना, कुछ भी सर दर्द हो रहा है कुछ लगा लिया, अपॉइंटमेंट लगा लिया, समझ लो आप वो लेपा आ रहे हैं, क्योंकि उसमें ग्रहण करने में आ रहा है, मुंह से तो नहीं लिया, सामान से ले लिया। अरे ये छठी प्रतिमाधारी रात्रि में ड्रिप नहीं चढ़ा सकता क्या? पॉइंट समझ में आ रहा है आपके? छठी प्रतिमाधारी है, अब रात को अस्पताल में भर्ती हो गए, क्योंकि अभी तो घर में ही रह रहा है ना, गृहस्थ है, अभी परिवार के साथ में रह रहा है, पत्नी बच्चों के साथ में रह रहा है, बिजनेस भी करता है, दुकानदारी भी करता है, सब करता है, लेकिन जिसके छठी प्रतिमाधारी से ऊपर हो गया है, अब यदि वो अस्पताल में भर्ती हो तो वो व्यक्ति रात्रि में ड्रिप नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि उसके नौ कोटि से आहार का त्याग है। लेकिन सहजता भी तो खत्म हो गई, अब ये तो जाएगा ही नहीं, वो प्रतिज्ञा का पालन करेगा, और परिवार वालों को भी चाहिए कि यदि इन्होंने ये प्रतिमा ले रखी है तो वो सावधानी रखे। माने कभी कभी क्या होता है कि जीवन भर तो निभाया किसी व्यक्ति ने, अब रात्रि अब परिस्थिति वृद्धावस्था में मांगने लगा, तो उसके लिए स्थितिकरण नाम का अंग कहा है, आप उन्हें समझाओ, आप उन्हें तत्व का बल प्रदान करो, आप ये नहीं कि आप उन्हें दे दो उनका नियम तोड़वा दो, ऐसा नहीं, आप उन्हें संबोधन करो ये योग्य नहीं, डांट करके नहीं, बिगड़ करके नहीं, क्योंकि बिगड़ने में स्थितिकरण वात्सल्य नहीं है। आप डांट करके किसी व्यक्ति को, नहीं आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना, अरे तो क्या नहीं करना, तुम यार ढंग से समझाओ उनको, तुम प्यार से समझाओगे तो समझ में आएगी, दुनिया में कोई भी ना समझ व्यक्ति नहीं है। ये साहब हमने प्यार से कई बार समझा करके देख लिया, नहीं समझते कि तो तुम और प्यार से समझाओ क्या नहीं, उपाय यही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरी कोई विधि है ही नहीं, तो स्थितिकरण और वात्सल्य, क्योंकि वो तो सम्यक दर्शन के अंग थे, तो ये तो भी छठी प्रतिमा की बात चल रही, तो सावधानी रखने की बात है। तो इस तरह से सभी प्रकार से रात्रि में आहार का त्याग और दिन में सभी प्रकार से भोग आदि का त्याग, ये जिसके जीवन में प्रतिज्ञा पूर्वक होता है, अंतरंग विशुद्धि बढ़ जाने से वो छठी प्रतिमाधारी श्रावक है। रात्रि में नहीं, रात्रि में नहीं, देखो क्या होता है मुझे नहीं मालूम, सारे मुनि क्या होता है मैं नहीं कहना चाहता, किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं, नो कमेंट, बस अपने पास में शास्त्र हैं, अपने पास में रत्नकरण श्रावकाचार्य हैं, रत्नकरण श्रावकाचार दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी संस्था से कहीं से भी छपा हुआ हो, श्लोक नंबर उठा करके देखो 142 नंबर संस्कृत का श्लोक 2000 साल पहले लिखा गया, कहीं से भी छपा हो कहीं से भी प्रकाशित हो आपको ये प्रकरण मिलेगा। रात्रि भुक्ति त्याग छठी प्रतिमा का नाम है और इसमें कृत कारित अनुमोदना से सभी प्रकार के आहारों का त्याग होता है। अरे आप त्यागियों की बात कर रहे हैं, हमने गृहस्थ ऐसे देखे हैं जो रात्रि में वाम नहीं लगाते, हमने ऐसे गृहस्थ देखे, सर दर्द हो रहा है और वैजी ने कहा कि ये गले में ये लगा लो यहाँ आपके बहुत तकलीफ है, कि नहीं लगाएंगे, रात्रि को मल्हम नहीं लगाते, दवाई लेना पानी से वो तो बहुत दूर की बात है, ये ऊपर से नहीं लगाते, तो ये तो नियम जो जैसा विधान कहा है हम वो चर्चा यहाँ पढ़ रहे हैं। छह हो गई सात शिक्षा हाँ उसमें साथी चार है इसमें निरतिचार है, मैंने कही थी ये बात उस समय, उसमें कदाचित अतिचार रख सकते हैं दूसरी प्रतिमा में, और जब सामायिक प्रतिमाधारी हो गया तो फिर सामायिक का निरतिचार पालन करेगा, नियम पूर्वक पालन करेगा, विधि पूर्वक पालन करेगा, ऐसी बात है। चलिए
जो भी है देखो सातवीं प्रतिमा आगे ब्रह्मचर्य प्रतिमा, सातवीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, छठी में तो बात थी दिन की, अब सातवीं प्रतिमाधारी श्रावक कैसा है, जो नव वाणी सहित विधि साधे निश दिन ब्रह्मचर्य आराधे, सो साकम प्रतिमाधर ज्ञाता शील शिरोमणि जगत विख्याता। क्या कह रहे हैं, शील शिरोमणि हो गया है, सातवीं प्रतिमाधारी श्रावक की स्वरूपानंद में ऊपर पढ़ें क्या अर्थ, जो नव वाड़ सहित विधि साधे, नौ वाड़ के सहित ब्रह्मचर्य की विधि की साधना करता है निश दिन दिन रात, अब वो ब्रह्मचारी हो गया, वो ब्रह्मचर्य की आराधना करता है, सो सप्तम प्रतिमाधारी ज्ञाता है, शील में शिरोमणि हो गया है, जगत में विख्यात है। क्या कहा, सातवीं प्रतिमाधारी श्रावक की स्वरूपानंद में विशेष लीनता बढ़ जाने से आसक्ति भाव और भी घट जाता है, अंदर से विशुद्धि बढ़ती जा रही है, बस ये पॉइंट ध्यान रखिए आप, अंदर से विशुद्धि बढ़ती जा रही है, अंदर से विभाव भाव मिटता जा रहा है, आंतरिक निर्मलता के बढ़ जाने से बाहर में आसक्ति और घट गई, अतः हमेशा के लिए दिन रात में अर्थात पूर्ण रूप से नववाड़ सहित ब्रह्मचर्य व्रत पालता है, हमेशा के लिए ब्रह्मचारी हो गया, वो सप्तम प्रतिमाधारी है, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया उसने, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी हो गया। आपको सातवीं प्रतिमाधारी समाज में कई दिखेंगे, तो और उपरोक्त प्रकार के भाव नहीं होने देने की प्रतिज्ञा लेता है, अतः उसकी प्रवृत्ति भी तदनुकूल ही होती है, ऐसे श्रावक को शील शिरोमणि कहा जाता है। देखिए शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की चर्चा तीन स्थानों पर आती है, अभी छठी में जो ब्रह्मचर्य की बात कही है वो तो विशेष बात कही है, अष्टमी चतुर्दशी वो नहीं है, एक ब्रह्मचर्य की चर्चा मिली अपने को ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ये साहब ये कौन है, बोले दूसरी प्रतिमाधारी है, ये कौन है, बोले अणुव्रती है साहब, ये तो कोई व्यक्ति ना अणुव्रती है, अणुव्रती का मतलब ब्रह्मचर्य अणुव्रत तो होगा, ठीक है। दूसरा हो गया सातवीं प्रतिमाधारी, ये ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी है, सातवीं प्रतिमाधारी श्रावक है साहब, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी। फिर होंगे एक ब्रह्मचर्य महाव्रती, ब्रह्मचर्य महाव्रत पांच महाव्रतों में आ गया एक महाव्रत। अब इन तीनों में क्या फर्क है, तीन जगह पर ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात होगी, एक ब्रह्मचर्य अणुव्रत, एक ब्रह्मचर्य प्रतिमा और एक ब्रह्मचर्य महाव्रत, महाव्रती होते हैं मुनिराज। तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत वाला जो जीव है, जो दूसरी प्रतिमा वाला है, वो ब्रह्मचर्य अणुव्रत वाला घर में रहता है, परिवार के साथ में रहता है, पत्नी के साथ में रहता है, और उसके अणुव्रत के काल में वो स्व स्त्री के अतिरिक्त सकल नारियों से विरक्ति है, शादी तो कर ही सकता है, उसमें क्या बात ही नहीं है उसकी, तो कुछ शादी है, परिवार है, बच्चे हैं, सब है। तो अभी दूसरी प्रतिमाधारी, अन्य स्त्रियों से विरक्ति, स्व स्त्री संतोष, और अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य आदि। अब ये जो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी है, ये ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी कैसा होगा, ये ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी परिवार में तो रह रहा है, परिवार में रह रहा है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है दिन रात, भोजन पत्नी बना करके डालती है, अपनी इच्छा अनुसार कहता भी है, बात भी करता है, चर्चा भी करता है, लेकिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, ये ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी है। अब ब्रह्मचर्य महाव्रत में, कि ब्रह्मचर्य महाव्रत में तो स्त्री से सात हाथ दूर रहने की बात है, आहारचर्या का काल छोड़कर, क्या आहारचर्या के काल को छोड़कर आहार देते समय तो नजदीक आएंगी ही, आहार देंगी ही, हाँ वो भी अकेले स्त्री नहीं, आहार चर्या के काल को छोड़कर शेष समय में सात हाथ दूर रह करके चर्चा करे, बात करे, नजदीक न आए, ऐसे ब्रह्मचर्य महाव्रत में इस तरह की प्रतिज्ञा होती है। खैर सातवीं प्रतिमाधारी हो गए, बहुत दृढ़ता से आसक्ति भाव तोड़कर
ये त्याग करने लगे, विशुद्धि और बढ़ गई। सात हो गए यहाँ तक, आठवीं की तरफ बढ़े। सात के नाम तो हो गए ना, पहली कौन सी? दर्शन प्रतिमा। दूसरी व्रत, व्रत ले लिए अब। फिर तीसरी सामायिक। चौथी प्रोषदोपवास। पांचवी सचित्त त्याग। छठी रात्रि भुक्ति त्याग, ठीक है। सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, और आठवीं का नाम है आरंभ त्याग। अब आरंभ का त्याग होगा इसके, अब व्यापार करेगा। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो विवेक विधियादरे करे न पापारंभ, सो अष्टम प्रतिमादनी गति विजय रणथंभ। क्या गजब बात कह रहे हैं भाई, आरंभ त्याग प्रतिमा वाला, आठवीं प्रतिमाधारी व्यापार से विरक्त होता है। इसका मतलब ये है सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचर्य व्रति तक वो कमाता है और खाता है। आज कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्या समस्या खड़ी हो गई है, मनराजों को यदि शुद्ध सात्विक भोजन नहीं मिल पा रहा है, उद्दिष्ट आहार मिल रहा है, अनुद्दिष्ट आहार नहीं मिल पा रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन प्रतिमाधारियों को घर में रह करके भोजन बनाना था, कमाना था, वे सब तो छोड़ करके संघ में शामिल हो गए, संघ में शामिल हो गए, वो खुद खाने लगे। अब उनके लिए तो वो बनाए जो असंयमी है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब कौन बनाए, जो खुद शुद्ध नहीं खाता है, जिसके अंतरंग में खुद की शुद्धता नहीं है, वो बना रहे, क्या होगी स्थिति? अभी स्थिति ये है ब्रह्मचर्य प्रतिमा कमाने का विधान है भाई साहब। आप समाज के ऊपर डिपेंड कैसे हो सकते हो, कोई ब्रह्मचारी घर घर जाकर के भोजन कैसे लेगा, मनराजों की चौके में मनराजों की जैसे जा जा करके जगह जगह जा जा करके आहार ग्रहण करे घर घर में जाकर के, तेरा क्या अधिकार है? कौन सी प्रतिमा है तुम्हारी? सातवीं प्रतिमाधारी है साहब हम, तो सातवीं प्रतिमाधारी कमाएगा, काम करेगा, घर में रहेगा, परिवार के साथ में रहेगा, वो अपना वजन जबरदस्ती समाज पर नहीं डालेगा। क्या आते थे ना अपने प्रवचन सुनने के लिए, आते थे बराबर यहाँ, जानते हो अच्छे से, बनी चिन्मय आनंद जी, हाँ पिछले साल चातुर्मास था, यहाँ बराबर आते थे, खूब प्रवचन सुनते थे, खूब चर्चाएं करते थे, घर आते थे, बैठते थे, हाँ बराबर प्रवचन सुनने के लिए आते थे भाई साहब, यहाँ हमारे खूब प्रवचन सुने उन्होंने बैठ करके। एक दो बार कॉल भी आया मेरे पास में बाद में भी, महाव्रती होने के बाद में भी इधर उधर की चर्चा नहीं, उन्होंने बतलाया नहीं कौन है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा मेरे से कि मेरे को ये शंका है और ये स्वरूप के संबंध में है, और उन्होंने कहा कि मैं महाराज बोल रहा हूँ, फिर मैंने पूछा कौन महाराज, क्या दिगंबर साधु बोल रहे हैं क्या, बोले हाँ मैं दिगंबर साधु बोल रहा हूँ, और मैंने कहा मेरा नंबर कहाँ से ले लिया और मेरा परिचय कैसे, बोले मैं सब जानता हूँ, आप तो मेरी समस्या का समाधान करो, बोलने मेरे से तो जाने नहीं क्या, ठीक है खैर जो भी है, लेकिन तत्व के संबंध में कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, आराधना की भावना से ठीक है, उनको शक्तियों के संदर्भ में, आत्मा की शक्तियों के संदर्भ में उनको कुछ जिज्ञासा थी, कुछ बात पूछनी थी, तो कई दो चार बार हुआ इस तरह का। खैर देखो कोई बात नहीं, हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ अब वो प्रतिमाधारी थे, यहाँ रहते तब भी वो चादर ओढ़ते थे, चतरा ओढ़ते थे, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी थे वो, तो व्यापार करते थे, क्या हाँ हाँ बिल्कुल, तो सफेद चदरा ओढ़ते थे, खैर व्यापार करते थे, हमारे यहाँ पानी लेने आते थे। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी भूमिका को पहचाने और उस भूमिका का जो स्वरूप है वो शास्त्रों में जैसा कहा है उस स्वरूप को विधि पूर्वक जाने, क्या तो ये ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी का जो स्वरूप कहा गया है, इस ब्रह्मचर्य प्रतिमा में आचरण कैसा होगा, क्योंकि आठवीं प्रतिमा में आरंभ त्याग है, आठवीं प्रतिमा के पहले आरंभ त्यागी नहीं है,
आठवीं प्रतिमा के पहले तो उसने ब्रह्मचर्य लिया है, लेकिन घर में रह करके पत्नी परिवार बच्चों के साथ में रहेगा। एक बात और, जब नौ वार्ड सहित ये ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी हो गए हैं तो अब वे अपने बच्चों के शादी विवाह आदि की अनुमोदना भी नहीं करेंगे, लेकिन सातवीं प्रतिमा के पहले तक वे विवाह आदि कर करा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? छठी प्रतिमा तक बच्चों का विवाह संबंध, उनके संबंध की चर्चा, ये सब हो सकता है छठी प्रतिमाधारी तक, सातवीं प्रतिमा में नहीं हो। खुद के बच्चों का अपने परिवार में मान लो उनके बच्चियां हैं, बच्चे हैं, गृहस्थ दशा में थे ही रहते ही हैं, अभी भी गृहस्थ हैं, तो बच्चों का योग्य रीति से संबंध हो जाए, संबंध कराए, विवाह आदि में शरीक हो, कोई त्यागी नहीं हो गए, ये जिम्मेदारी है। और जब विशुद्धि और बढ़ गई है, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी हो गए हैं, तो फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी भले ही रहेगा ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला भी, लेकिन अनुमोदना नहीं करेगा। ठीक है, जो जैसा है कोई बात नहीं। रात्रि में शादी का तो विधान ही नहीं है पूरी जैन परंपरा में कहीं भी। क्या छठी प्रतिमाधारी रात्रि में शादी कराने की बात ही नहीं है जैन परंपरा में? रात्रि विवाह का कहीं भी उल्लेख नहीं है, और होना क्योंकि क्या है, विवाह जो होता है वो देव शास्त्र गुरु की साक्षी में होता है, बिल्कुल पूजन की जाती है, अर्घ चढ़ाए जाते हैं, सत्रह अर्घ समर्पित किए जाते हैं, पंच परमेष्टी, चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण को ये सत्रह अर्घ उसमें समर्पित किए जाएंगे, देवशास्त्र गुरु की पूजन किए, अर्घ समर्पित किया है सारे आपने सब, तो ये रात्रि में कैसे कर सकते हो आप? रात्रि में पूजन होती कहाँ है? कौन से मंदिर में रात्रि पूजन होती है बतलाओ? कहीं भी नहीं होती। रात्रि पूजन कैसे कर सकते हैं हम? रात्रि में चावल नहीं चढ़ाते हम, तो रात्रि में कैसे करेंगे? तो ये कहीं विधान नहीं है इस तरह का। और फिर अनेक अनेक प्रकार का जो कुछ भी विकृतियां चलने लगी है साहब, ना समझी में, देखा देखी में, अब उसके बारे में क्या बात कहें हम? दिन में ही होने चाहिए सारे कार्यक्रम, दिन में होने चाहिए सारे आयोजन, दिन में होने चाहिए भोजन, दिन में बारात, दिन में फेरे, दिन में आयोजन, सारे दिन में। रात्रि का काम ही नहीं कुछ भी, रात्रि का क्या काम है? तो बिल्कुल कराएंगे, कराना ही चाहिए बिल्कुल, ये तो जिम्मेदारी बनती है सबकी, सशक्त रीति से ऐसी बातों का दृढ़ता से पालन करें और कराएं। नहीं होगा साहब, नहीं होगा हमारे यहाँ, नहीं होगा ये काम, कैसे करेंगे हम, कैसे कर सकते हैं ये काम? और हम यदि ये काम करेंगे तो फिर कौन कौन होगा? चलो बहुत अच्छी बात है, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो गई, और अभी हमने आरंभ त्याग प्रतिमा के संबंध में पंक्तियां पढ़ी है। जो विवेक विधि आदरे, विवेक विधि का आदर करके करे न पापारंभ, पाप आरंभ नहीं करता, आरंभ त्यागी नहीं हुआ है अभी ये, सर्व प्रकार के ये पाप आरंभ का त्यागी हुआ है। सो अष्टम प्रतिमा धनी, आठवीं प्रतिमाधारी है, कुगति विजय रणथंभ, रणथंभ रण में लड़ने वाले योद्धाओं के समान विजय प्राप्त करने वाला, कुगति खोटे विचारों पर। आठवीं प्रतिमाधारी श्रावक की यथोचित शुद्धि निश्चय प्रतिमाएं, संसार देह भोगों के प्रति उदासीनता, वह राग अल्प हो जाने के कारण उठने वाले विकल्प भी मर्यादित हो जाते हैं। ये सब अंदर से उदासीनता हो गई है, अंदर में विशुद्धि और बढ़ गई, यथोचित शुद्धि बढ़ गई है, भोगों के प्रति उदासीन हो गया है, राग अल्प हो जाने के कारण जो विकल्प उठते थे वे भी मर्यादित हो गए हैं। बाह्यारंभ का त्याग, ये व्यवहार प्रतिमाएं, अंदर में विकल्प टूटना और बाहर में आरंभवादिक का त्याग करना, ये व्यवहार प्रतिमाएं हैं। आठवीं प्रतिमाधारी श्रावक स्वरूप स्थिरता रूप धर्माचरण में विशेष सावधानी रखता हुआ असी, मसी, कृषि, वाणिज्य आदि पापारंभ करने के विकल्पों का त्याग कर देने से सभी प्रकार के व्यापार का त्याग कर देता है। क्या असी में तलवार, ये तो असी, मसी, कृषि, विद्या, शिल्प, वाणिज्य, छह प्रकार की विद्याओं का ध्यान दिया ना राजा ऋषभ देव ने,
छह बातों का उन्होंने ज्ञान दिया था राजा ऋषभ देव ने, तो उनमें है असी मतलब तलवार, मसी मतलब क्या होता है स्याही, लेखन कार्य, कृषि मतलब खेती, वाणिज्य व्यापार। तो ये सारे जितने पाप आरंभ हैं, इन सर्व पाप आरंभों के विकल्पों का त्याग कर दिया, व्यापार से विरक्त हो गया। बड़े बड़े आचार्य लोग ये जो उसमें व्यापार से रिलेटेड है, माने समझ लीजिए आप अकाउंट्स कर रहा है, कुछ कर रहा है, उस तरह के बिजनेस की बात है, किसी के लेखन कार्य कर रहा है। पहले जमाने में ऐसा भी होता था, ये जो होते थे ना त्यागी व्रती लोग, ये अणुव्रति हैं या ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारी तक लोग हैं, ये लोग प्रतिलिपियां किया करते थे। जब शास्त्र छपते नहीं थे ना जिस जमाने में, आज भी कितने अपने ग्रंथ जो हैं शास्त्र भंडारों में रखे हुए हैं, ओरिजिनल तो कहीं और है और उस ओरिजिनल की प्रतिलिपि है। तो जिनकी हैंड राइटिंग वगैरह अच्छी हुआ करती थी वे उनकी प्रतिलिपि किया करते थे, एज इट इज कॉपी। वोटर स्टेट मशीनें तो होती नहीं थी, कुछ जेरोक्स मशीनें तो छपाई होती नहीं थी, तो उसको एज इट इज पेज के हिसाब से, लाइन के हिसाब से, अक्षरों शब्दों के हिसाब से, उनके हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाता था। तो जो आरंभ त्याग प्रतिमाधारी हो गया वो इस तरह का व्यापार, इस तरह का काम भी नहीं कर सकता आजीविका के लिए। मतलब कुल मिलाकर के आजीविका के त्याग की स्थिति इस आरंभ त्याग प्रतिमा के अंतर्गत बनती है। अभी हम नौवीं प्रतिमाधारी जो होंगे वे परिग्रह के त्यागी भी हो जाएंगे। नहीं, खाना बनाने आदि का कहाँ निषेध है? हाँ, आरंभ त्याग घर का काम तो करेंगे ही ना, घर के काम के निषेध की नहीं है। आरंभ त्याग प्रतिमा में व्यापार के त्याग की बातें हैं, आजीविका संबंधी जो भी काम है उसके त्याग की बात आरंभ त्याग प्रतिमा में है। तो इस तरह से अपन ने आज छठी, सातवीं और आठवीं प्रतिमा की चर्चा की है। कल कोशिश करेंगे कि ये पूरा हो जाए। तो